जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताया है कि धनतेरस के किसी भी समय इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर आपको अपने घर ले आना है, और अगर आप में सच में दम है तो तुरंत आप इसका असर भी देख लेंगे और आपकी तत्काल ही गरीबी मिट जाएगी। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर बताए गए जो उपाय होते हैं वो बिल्कुल ही सटीक और 100% लिखित के आधार पर आप सभी को बताए जाते हैं। और धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा गया है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है, और इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं, और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आ जाती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था में सभी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का घर में आने का सबसे ज्यादा समय यानी कि जागृत अवस्था यही होती है। और अपना अगर आप सच में प्रभाव देखना चाहते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे आपको तत्काल प्रभाव देखने को भी मिल जाएगा। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय भी होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माताएं बहनें होती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले तो आप ये जानिए, क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आराध्य माना गया है, देवता स्वरूप कहा जाता है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का अंश बसता है, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ये सारी चराचरी, पूरा जीवन, पूरी दुनिया चल रही है। कैसे चल रही है? जैसे कि समय पर बारिश का होना, वातावरण को संतुलित बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधे के कारण ही तो हो पा रहा है ना। तो धनतेरस के समय, रात्रि के समय अगर आपसे हो सके तो ये पौधा आपको जड़ सहित अपने घर में उखाड़ कर जरूर ले आना है। वैसे तो पूरे दिन ही ये सही शुभ समय रहेगा, लेकिन रात्रि के समय जड़ सहित इस पेड़ को उखाड़ कर लाते हैं तो तत्काल गरीबी मिट जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि रात्रि के समय हमें पेड़ पौधों को छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर गरीबी को मिटाने की बात हो रही है, तो रात्रिकालीन का जो समय होता है वो एकदम शांत होता है, कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए सबसे छुप छुपा कर बचा कर पहले आप उस पेड़ को प्रणाम करेंगे और उस पेड़ से अनुमति लेंगे, और उसके बाद उसे जड़ सहित उखाड़ कर अपने घर लेकर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना पूरे जीवन आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि धनतेरस का जो पर्व है, एक ऐसा समय पूरे साल में आपको मिलता है जो पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और हर दिन की वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ जागृत चीजों के बारे में और चैतन्य चीजों के बारे में। इसमें प्राण डालने का काम जो है वो धनतेरस का दिन करता है। तो कौन सा है वो पौधा, बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का इसी प्रकार से समाधान पाना चाहते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में जो भी उपाय बताए जाते हैं उन्हें ही जन साधारण भाषा में हमारे चैनल पर बताया जाता है, और तीज त्योहारों से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी भी आपके सम्मुख जन साधारण भाषा में लेकर आई जाती है, इसलिए पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बागेश्वर धाम का जयकारा लगाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कौन सा है वो पौधा, बहुत ही ध्यान से इसका नाम सुनिएगा, सहदेवी का पौधा। क्या आपने इसका नाम सुना है? आपके घर के आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन आपको पहचानने में नहीं आता है। ये दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर कर देता है। ये सभी प्रकार की वनस्पति की देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारे वीडियो में आप देख लीजिए, इसी को सहदेवी का पौधा कहा जाता है। और अगर आप गाँव में रहते
लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधा आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। और शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन होती है, जहाँ पर खेत खलियान वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से बिना इसे कहीं जड़ सहित उखाड़ करके अपने घर लेकर आना है। धनतेरस पर आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में भी चले जाएंगे इसको लेने के लिए तो भी कोई दुख की बात नहीं है। अगर आप सच में अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकालकर गांव में खेत खलियानों में जाकर भी इस पौधे को ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाएगा। शहर में रहते हैं तो भी आप चाहेंगे कि ढूंढे तो वहां पर मिल जाएगा, नदी के तटों के आसपास ये कहीं पर भी आराम से उगा हुआ आपको मिल जाएगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि इसे कितने टाइम के लिए लेकर आना है तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को अगर आप लगाते हैं, बगल में तुलसी का पौधा लगाएं और एक बगल में इसे लगा लेते हैं, यानी कि सहदेवी को लगाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा असरदारी हो जाता है, यानी कि लौकिक अलौकिक सभी सुखों की आपको प्राप्ति करवाता है। और इसमें भगवान धन्वंतरी बहुत जल्दी इस पौधे से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास इसे आप जरूर लगाइएगा और इसके प्रभाव कई गुना बढ़ते हुए आप स्वयं देखेंगे, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस पौधे को देवी प्रद भी कहा गया है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान होता है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला भी होता है। कभी कई प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पुराणों की जानकारी हमें लिखी हुई मिलती है ना, जैसे कि हमारे वनस्पति शास्त्र हैं, उनमें भी ये जानकारी आपको अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। और तंत्र शास्त्र की भी जो बुक होती है उनमें भी इस बारे में बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस प्रकार से अनगिनत चमत्कार आपको दिखाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सहदेवी के पौधे की जड़ को छोटे से टुकड़े को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो ऐसे में अगर आपकी कोई नींद की बीमारी है तो वो भी तत्काल जड़ सहित समाप्त हो जाएगी, गहरी नींद आपको आना शुरू हो जाएगी। और आपको बैठे बैठाए घर में आप स्वयं देखेंगे कि आप कितने आराम से जो भी नौकरी आप कर रहे हैं कम मेहनत पर भी आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी और अनिद्रा की बीमारी तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। रामबाण पौधा है ये, इसे अगर आप हाथ में रख करके कोई भी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं तो जल्दी ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इस पौधे की वजह से मंत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जड़ को अगर आप इसका जड़ को पानी के साथ घिस कर इसका तिलक लगाते हैं तो इससे सम्मोहन की शक्ति बढ़ाने का भी ये काम करता है। अगर आप किसी को अपने वश में करवाना चाहते हैं, कहीं व्यापार करते हैं नौकरी करते हैं, आपका जो बॉस है आपकी बात नहीं मानता है, तो आप इसके तिलक को लगाना जरूर शुरू कर दीजिए। और वैसे तो आपने अगर इस पौधे को अपने घर में लगा लिया है तो आपके हर प्रकार के बिगड़ते हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप धनतेरस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस पौधे को जरूर अपने घर लेकर आइएगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपसे छूट ना पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर जरूर कीजिएगा, आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।